हेलो डियर लिटिल किड्स, वेलकम बैक विद द बुक मैरीगोल्ड फॉर क्लास फोर। द चैप्टर इज पिनोकियो। दिस चैप्टर इज फ्रॉम यूनिट 9 एंड दिस चैप्टर इज अबाउट अ पपेट, अ वुडन पपेट। एक शैतान वुडन पपेट की ये कहानी है जिसका नाम है पिनोकियो। ओके, लेट्स रीड द चैप्टर। Once upon a time, an old carpenter bought a very queer piece of wood. As he used his plane on it, he heard a little laughing voice say, "Stop, you are tickling me." एक बार एक बूढ़े कारपेंटर ने एक बहुत ही अजीब विचित्र लकड़ी का टुकड़ा खरीदा। As he used his plane on it, जैसे ही उसने इस पर अपना प्लेन यूज किया। प्लेन इज अ काइंड ऑफ टूल फॉर अ कारपेंटर। जैसे ही उसने अपना प्लेन यूज किया, क्या सुना उसने? ही हर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस, छोटी सी हंसी वाली आवाज सुनी। स्टॉप यू आर टिकलिंग मी, वो आवाज क्या थी? रुको, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। टिकल मीन्स गुदगुदी करना। The old man was puzzled by the voice. वो बूढ़ा व्यक्ति आवाज से puzzled हो गया। Puzzle means पहेली, समझ नहीं पाया कि वो आवाज क्या थी। He said, "This is a strange piece of wood." उसने कहा, ये अजीब लकड़ी का टुकड़ा है। What shall I do with it? इसके साथ मैं क्या करूँगा? I think I will make it into a puppet. मैं सोचता हूँ कि मैं इसको एक पपेट में बना दूँगा। He set to work. वो काम करने बैठ गया। And as the puppet boy took shape, और जैसे ही puppet boy ने शेप लिया, मतलब उसे आकार मिला एक पपेट बॉय का, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, ही मस्ट हैव अ नेम, उसका एक नाम होना चाहिए। आई विल कॉल हिम पिनोकियो, मैं उसे पिनोकियो बुलाऊंगा। एज सून एज ही फिनिश्ड मेकिंग द आईज, द कारपेंटर वॉज अमेज्ड टू सी देम मूव। जैसे ही उसने उसकी आँख बनाई, आँख बनाकर पूरा किया, द कारपेंटर वॉज अमेज्ड टू सी देम मूव। कारपेंटर उनको, मतलब आँखों को हिलता हुआ देखकर आश्चर्य कर गया। बिफोर द माउथ वॉज मेड इट बिगन टू लाफ, मुंह बनने से पहले ही उसने हंसना शुरू कर दिया। स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। इट डिड स्टॉप, वो रुक गया। बट एज सून एज हिज बैक वॉज टर्न्ड, पर जैसे ही उसकी पीठ मुड़ी, पीठ को मुड़ा, इट पुट आउट इट्स टंग, इसने जीभ निकाल ली, एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग, और उसकी नाक बड़ी हो गई। No sooner were its hands ready than it snatched off the carpenter's wig. जैसे ही no sooner were its hands ready, मतलब जैसे ही उसके हाथ बड़े हुए, उसने क्या किया? कारपेंटर की विग खींच ली एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड, और अपने खुद के सिर पर रख लिया। And then Pinocchio's nose grew longer, और फिर Pinocchio की नाक लंबी होने लगी। When its legs and feet were made, जब इसके पैर और feet, पैरों के नीचे वाला हिस्सा बना, they were too stiff to use, वो use करने के लिए बहुत सख्त थे, stiff, कड़ापन। So the carpenter showed Pinocchio how to use them. इसलिए कारपेंटर ने पिनोकियो को दिखाया कि इन्हें कैसे यूज़ करना है।
Now the carpenter decided to send Pinocchio to school. अब कारपेंटर ने पिनोकियो को स्कूल भेजने का निश्चय किया. बट देयर पर वहाँ पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन. पिनोकियो ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मज़े के लिए मज़ा ढूंढने लगा, मज़ा देखने लगा. ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल, वह अक्सर स्कूल से भाग जाया करता था. वाई डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? आस्क द कारपेंटर, कारपेंटर ने कहा. पिनोकियो टोल्ड हिम अ लाई, पिनोकियो ने उसे एक झूठ बोला. एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, और उसकी नाक बढ़ते ही बढ़ना शुरू हो गई, बढ़नी शुरू हो गई. क्यों? झूठ बोलने से. ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन, हर बार जब वह किसी से रूखा व्यवहार करता या किसी के प्रति रूड था, रूखा था, और टोल्ड अ लाई या उसने झूठ बोला, हिज नोज ग्रू लॉन्गर, उसकी नाक बड़ी हो गई. फाइनली पिनोकियो सेड, फाइनली पिनोकियो ने कहा, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, मैं एक असली लड़का बनकर खुश हूँ. आई विल नेवर लाई अगेन, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा. ओके बच्चों, दिस स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पिनोकियो. पिनोकियो की एक कंप्लीट स्टोरी है जहाँ से एक छोटा सा पोर्शन को अडेप्ट किया गया है, मतलब वहाँ से लिया गया है. नाउ न्यू वर्ड्स, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, बढ़ई, क्वियर विचित्र, प्लेन, हैंड टूल फॉर अ कारपेंटर एंड इट हैज़ An adjustable blade, puzzled, पहेली मतलब चकरा गया, puppet, you know what a puppet is, took shape, आकार लिया, amazed, आश्चर्यचकित हो गया, finished, finish किया मतलब पूरा किया, stiff, अकड़न, decided, निश्चय किया. Okay kids, read this chapter and learn the new words. And I will meet again for the exercise portion of this chapter. Till then, take care. Bye. Have a nice day. Stay safe. Stay healthy.